वो मुझसे प्यार करता है। वो प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। ये भाग्य है देखो, और तुमने कहा था तुम मुझे प्यार नहीं करते। तुम कितने बेवकूफ हो। क्या ये डेजी झूठ बोल रहा है? एक अच्छे रेस्टोरेंट में डेट, स्वादिष्ट पास्ता खाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक ही प्लेट से स्पेगेटी खाना रोमांस के प्रणांकल है। हम लेडी एंड द ट्रैप की तरह है। ये प्यार के बारे में मेरा पसंदीदा कार्टून है। थोड़े और नूडल्स और हमारे होंठ छू जाएंगे। उप्स, आज कुछ गलत हो गया। यहाँ बहुत ज्यादा सॉस है। क्या तुम टमाटर विस्कर्स बोल सकते हो? मेरा नैपकिन कहाँ है? क्या तुम मेरी तरफ देख भी नहीं सकते? आप स्कूलयार्ड के रोमांस को कभी नहीं भूल सकते। उसने पूरी क्लास के सामने घोषणा की कि तुम कपल हो। वो बहुत अच्छा है जब क्लासमेट्स असल में आपके लिए खुश हो। और वो आपकी बहुत केयर करता है और बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव करता है। बाकी लड़कियां तो बहुत जलती होंगी। शर्म की बात है कि ऐसा बहुत कम होता है। असल में ओ, एक नोट, इसे मुझे दो। चलो देखें हमें क्या मिला। वो तुम्हें डेट पर जाने के लिए पूछ रहा है। हे सब लोग, ये मजेदार है। देखिए ये कौन है पेड़ के पास बैठकर। KISSING। क्या तुम्हें पता है किस कैसे करते हैं? चलो भी हमें दिखाओ। ये बहुत शर्मनाक है। मैं बस छिपना चाहती हूँ। क्या आपदा है? आसपास की ओर देखना, बादलों को देखना, अपने प्रेमी के साथ और आसपास कोई नहीं। ओह देखो वो बादल दिल के आकार वाला है। ये हमारी प्यार का प्रतीक है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कितना बढ़िया है। ओह आउच, असलियत में वापस आना कितना दर्दनाक है। माफ करना, ये सब हमेशा इतने खराब पल में क्यों होता है? यहाँ इस पार्क में बहुत सारे लोग हैं। बच्चे इतना शोर कैसे मचाते हैं? हर कोई बिना रुके बात कर रहा है। गानों की भी बेकार चॉइस। कितनी बुरी शाम है। हमें मूवी देख लेनी चाहिए थी। ओह आखिरकार तुम्हारे जन्मदिन की सुबह। खिड़की से बाहर से कैसी आवाजें आ रही है? वो फूल, गुब्बारे और एक सुंदर सैरेनेड। मैंने पूरी जिंदगी ऐसे ही जन्मदिन का सपना देखा है। एंजल तुम सबसे बढ़िया हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। दुर्भाग्य से हालांकि हम आमतौर पर इसे देखते हैं। ओह ये क्या है? इसे और बेहतर बनने की जरूरत है। गानों की भी बेकार चॉइस। इस पोर्ट्रेट में कौन है? बेहतर होगा मैं नहीं हूँ। हे भगवान प्लीज बता दो ये मैं नहीं हूँ। तुमने मेरा नाम भी सही से नहीं लिखा। ठीक है कॉन्टेस्ट खत्म हुआ। बार में एक बढ़िया नाइट आउट, बढ़िया म्यूजिक बज रहा है और ये लड़की बोर हो रही है। ओह कितना प्यारा लड़का है। वो यही देख रहा है। ओह वो यही आ रहा है। ये बहुत मजेदार है। हाँ मुझे नाचना पसंद है। तो पक्का मुझे बुलाएगा। ओह उप्स, वो बस एक कॉकटेल का ऑर्डर करने आया था। ये दुख देता है। मैं अपने दिन के सपनों में फंस गई थी। एक बढ़िया बुके कौन नहीं पाना चाहता? बड़ा और बहुत बढ़िया ही बेहतर होता है। और हाँ बिल्कुल ज्यादा महंगा। ये प्यार का संकेत है जिसकी सबको कदर करनी चाहिए।
खैर वो कहाँ है, तुम कितनी देर इंतजार कर सकते हो? ओह हे, वो कितना प्यारा बुके है, क्या ये मेरे लिए है? आह इसकी खुशबू शानदार है, ऐसे केयरिंग लड़की का सपना हर कोई देखता है। लेकिन असल में ये एक अलग कहानी होती है। ओह हे, बहुत समय से देखा नहीं। ओह ये क्या है, असली फूल बेहतर नहीं होते, ये बढ़िया है, लेकिन सच में कन्विंसिंग नहीं, इनकी खुशबू भी अच्छी नहीं है। मैं ही क्यों? डेट के लिए तैयार होने का समय, उम्मीदें, सुंदर मेकअप, शानदार बाल, ऊंची हील्स, प्यारा परफ्यूम, मुझे लगता है मैं तैयार हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, वो रुक नहीं पाएगा, वो मेरा होगा कोई सवाल नहीं। असलियत, जितनी ब्राइट लिपस्टिक उतनी बेहतर। हाँ आईब्रोज को डार्क करें, चेहरे को फ्रेम करें, ठीक है अच्छी लग रही हूँ। शू मुझे देर हो गई, थोड़ी आई शेडो, हाँ ये थोड़ी स्मोकी आईज है, और सिर्फ सबसे ऊंची हील्स, मैं इसे दोबारा कैसे पहनूंगी? ओ नहीं मेकअप फैल गया, आज सच में मेरा दिन नहीं है, शायद मुझे घर पर ही रहना चाहिए। कितना सुंदर सनसेट है, ये बहुत रोमांटिक है। हनी ये बहुत शानदार है, ये बिल्कुल टाइटैनिक के उस सीन जैसा है, कितना सुंदर आसमान है, मुझे नहीं लगता कुछ भी इसे बर्बाद कर सकता है, हम एक साथ बहुत बढ़िया है, हम हमेशा रहेंगे। अख ये क्या है, मैं गिरने वाली हूँ, इसे हटाओ, मदद करो, बचाओ, किसी ने मुझ पर हमला कर दिया, ये स्मेल कैसी है, क्या वो कूड़ा था, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ऑनलाइन डेट करना बहुत मजेदार हो सकता है, हम बहुत देर से बात कर रहे थे, जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। पिक मांगने का समय, मैं सोच रही हूँ वो कैसा दिखता होगा। ओह उसने भेज दी, वाह वो सच में मेरे सपनों वाला लड़का है, उसका चेहरा सुंदर है और वो मसल्स, क्या एथलीट है। ओह मेरे प्यार, मैं इसे प्रिंट करूंगी और इसे अपने साथ हर जगह लेकर जाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ गया, आज मैं उसे मिलूंगी, मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी। खैर उसे इतनी देर क्यों लग रही है, क्या नहीं ये वो नहीं हो सकता, माफ करना मुझे लगता है तुम गलत लड़की के पास आ गए हो, मैं किसी और के लिए इंतजार कर रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हंकी और एथलेटिक है। वो कहाँ हो सकता है, क्या तुम कौन हो? ओह नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये बहुत अजीब है। ओह मुझे लगता है मैं अपन चलता हुआ छोड़ आई हूँ, मुझे जाना होगा, ये अजीब था, वो कहाँ जा रही है। मीट क्यूट हमेशा बहुत खैर प्यारे हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ फिल्मों में ही होते हैं? कितनी शानदार सिलेक्शन है, हर चीज बहुत सुंदर है, क्या खरीदूं क्या खरीदूं, ये हैंड बैग बहुत प्यारा है, मुझे जरूर इनमें से एक लेनी चाहिए, ये इस जैकेट के साथ बढ़िया लगेगा। ओ नहीं मेरा बैग, और अचानक उनकी आंखें मिली, वो वही है मेरे सपनों की लड़की, और वो है वो जिसके लिए मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ये समय है असलियत में वापस जाने का। ओ नहीं मेरा बैग, हे ध्यान से लेडी, तुम ध्यान से बेवकूफ, क्या टक्कर थी, शॉपिंग ट्रिप पे पानी फिर गया, यंग लव जैसा कुछ नहीं, चराए हुए ग्लांसेस, शांत सांसें, प्यारे नोट्स, ये बहुत रोमांटिक है, जाने मन वो बहुत हैंडसम है। एक और नोट, इसमें क्या है, पीछे मुझे, ठीक है। ओ नहीं ये क्या, क्या ये सांप है, मुझे दूर रहो, ये गंदा है, क्या हो रहा है, इस बार पक्का एक बढ़िया रिलेशनशिप नहीं होने वाला। उस बेंच पर कितना प्यारा लड़का बैठा है, वो मेरी तरफ ही देख रहा है, मैं सोच रही हूँ वो क्या चाहता है, वो बहुत सुंदर है, शायद मुझे उससे जानना चाहिए, लेकिन ये बदतमीज जरूर कुछ करने वाला है।
हे, मेरा बैग, मदद करो, कोई मदद करो, उसने मेरा बैग चुरा लिया। चिंता मत करो सुंदर लड़की, मैं इसे संभाल लूंगा। जितना मैंने सोचा था ये उससे आसान था। ओह मेरे हीरो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाता हूं। ये मूवीज की तरह है। दुर्भाग्य से असल में ऐसा नहीं होता। हे, मेरा बैग, मदद करो, रुको। सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी बाहों में आने के लिए भाग रही हो? यहाँ गले मिलो, मदद करो, उसने मेरा बैग चुरा लिया। बस यहाँ खड़े मत रहो। ओह, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं खुद कर लूंगी। वाह, कुछ हीरो। क्या आपको प्यार के बारे में हमारी वीडियो पसंद आई? कौन सी स्थिति सबसे मजाकिया लगी? क्या आपने कभी किसी का अनुभव किया है? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप नई मजेदार वीडियोस ट्रूम ट्रूम पर मिस ना करें।